श्री राम दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा सांभी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 में हमने गांव में कृषि से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी, हमने उसके बारे में बात करी थी। तो दोस्तों, हमने जो बात करी थी कि गाँव में कृषि से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं, उन्हीं समस्याओं की वजह से जिस रेट से हमें कृषि में ग्रो करना चाहिए उस रेट से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस वजह से गांव की जो कृषि है उसका विकास नहीं हो रहा। दोस्तों, कभी भी कोई पढ़ लिख करके किसान नहीं बनना चाहता, मतलब खेती नहीं करना चाहता, लोग कृषि करने में शर्म महसूस करने लगे हैं ऐसी। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है जो किसानों को मदद पहुंचाती है, तो कई बार ऐसा होता है फाइलिंग वो जो योजनाएं केवल फाइलों में होती है, जमीन में पहुंचती नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में जो कृषि का स्तर है वो घट रहा दिन ब दिन। मतलब लोग तो बहुत ज्यादा लगे हैं कृषि पर, लेकिन उससे जो आमदनी होती है वो जीडीपी पर टोटल 17% ही कंट्रीब्यूशन करती है, जो कि चिंता का विषय है कि इतने सारे लोग लगे हैं कृषि पर। कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारी जीडीपी है 5.7%, लेकिन 5.7 का मात्र 17% की कंट्रीब्यूशन हो पाता है कृषि से। इसके अलावा दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत में कृषि के नए प्रतिरूप क्या हैं, मतलब कृषि के विकास के लिए क्या क्या नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला है कृषि निर्यात क्षेत्र। कृषि निर्यात क्षेत्र से क्या मतलब है? निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पैदावार हो जाती है, जैसे पिछले साल ही धान की बहुत ज्यादा पैदावार हुई थी। अब जैसे धान की पैदावार हुई है तो उस गांव के सभी लोगों के घर में हुई होगी, तो वहां तो धान का जो रेट होगा वो कम होगा। तो गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो किसान है वो अपनी फसल का डायरेक्ट क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, मतलब विदेश में भेज सके, तो उससे उसको ज्यादा आमदनी हो सकेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 20 राज्यों में 16 केंद्र ऐसे खोले जा रहे हैं जिसमें किसान जाकर के डायरेक्ट अपनी फसल को यहाँ पहुंचा देगा, तो गवर्नमेंट की मदद से उसको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, विदेश में पहुंचा दिया जाएगा और उसको फॉरेन करेंसी के रेट से उसको पैसा मिल जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे है परजीवी कृषि। परजीवी कृषि से क्या मतलब है दोस्तों? कुछ फसल ऐसी होती है जिनको पानी बहुत लगता है, जैसे केला हो गया और लिप्टिस का पेड़ हो गया, इनको पानी बहुत चाहिए। और अगर जिस एरिया में अब केला की फसल हम उगाएंगे और लिप्टिस का पेड़ लगाएंगे तो अपने आप वहां वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों, दिन ब दिन जल का जो इस तरह घट रहा है, तो जो वैज्ञानिक हैं ऐसे अनुसंधान कर रहे हैं कि दो ऐसे पेड़ लिए जाए, तो एक ऐसा पेड़ जिसको पानी ज्यादा लगता है और एक ऐसा पेड़ जिसको पानी कम लगता है। तो जिस पेड़ को ज्यादा पानी लगता है और जिसको कम लगता है, दोनों के जीन्स को अदल बदल देना। तो जब उनके तो दोस्तों, जीन्स बदल देने से जो जिन पेड़ों को ज्यादा पानी लगता है वो पेड़ भी फिर कम पानी में ही उग जाएंगे, मतलब ग्रो कर जाएंगे। तो पराजीवी कृषि को कहते हैं कि दो पेड़ लीजिए, उनके जीन्स को बदल दीजिए, तो ऐसे पेड़ जिनको ज्यादा पानी लगता है वो कम पानी में ही ग्रो कर जाए, पहला ये फायदा होगा। दूसरा, बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, दो चार दिन के अंदर ही क्या हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, तो इससे क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा हमें। फिर तीसरे नंबर पर है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन का क्या मतलब है, देखिए फर्टी ये दो शब्दों से मिलकर बना है फर्टिगेशन। तो ये फर्टिगेशन का फर्टी ले लीजिए तो ये बना फर्टिलाइजर होता है, और गेशन का मतलब है इरिगेशन से मतलब है। तो फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। तो दोस्तों, जब हमें फसल की सिंचाई करना होता तो एक बार हमने सिंचाई कर ली, फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, खाद देते हैं। तो हमको दो बार करना पड़ता है, एक बार फिर सिंचाई करिए, आपको पानी लगाना होता, फिर क्या करिए, खाद छिड़किए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया जा रहा है कि सिंचाई के पानी में ही फर्टिलाइजर खाद को मिला दिया जाए, तो पानी जब पहुंचेगा फसलों तक तो सिंचाई तो होगी पेड़ पौधों की, इसके अलावा खाद भी पहुंच जाएगी उनकी जड़ों पर, ठीक। फिर उसके बाद बात आती है कृषि विपणन की। दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, तीन ही पॉइंट है भारत में कृषि के नए प्रतिरूप में। पहला था कृषि निर्यात क्षेत्र, दूसरा है परजीवी कृषि और तीसरा है फर्टिगेशन। अब बात कर लेते हैं कृषि विपणन। विपणन का मतलब होता है खरीदना और बेचना।
खरीदना बेचने से क्या मतलब है कि आप किसान ने अपनी फसल का उत्पादन कर लिया है, अब कोई उसको खरीदेगा और उसको क्या करेगा, बेचेगा। तो किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके, मतलब बिचौलियों के चक्कर में ना आए, उसने जिस मेहनत से उस फसल को तैयार किया है तो उसकी मेहनत को उसे सही पैसा मिल सके, इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है एमपी में, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसका मुख्यालय है भोपाल में, और इसके अलावा 7 आंचलिक कार्यालय भी है राज्य कृषि विपणन बोर्ड के। तो इसके अंतर्गत एमपी में 253 मंडियां हैं और 284 उप मंडियां हैं। मंडी क्या होती है? मंडी वो जगह होती है जहां पे किसान जाएगा, अपनी फसल को बेच देगा और उसको उसकी फसल को कोई खरीद लेगा, और फिर मंडी समिति ही, मंडी प्रशासन ही ये जिम्मेवारी लेती है कि किसान को सही तरीके से उसकी जो उसकी फसल का सही मूल्य है उस किसान को मिल सके। तो वर्ष 2013-14 में मंडियों और उप मंडियों से एमपी गवर्नमेंट को 103.38 करोड़ रुपए की आय हुई थी। ठीक, इसके अलावा ये तो राज्य लेवल की बात हो गई, राज्य कृषि विपणन बोर्ड बना है। इंडिया लेवल पर दो डिपार्टमेंट बने हैं, दो बोर्ड हैं। पहला है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन विकास परिषद, इसकी स्थापना हुई थी गांधी जी के बर्थडे को 2 अक्टूबर 1958 को, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAFED। सेकंड नंबर पे है भारतीय जनजाति सरकारी विपणन विकास परिषद, TRIFED, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। तो राज्य लेवल पर ये वर्क करती है और केंद्र लेवल पर ये दोनों संस्थाएं वर्क करती हैं कि किसानों की उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। देखिए दोस्तों, जैसे किसी किसान ने अपनी फसल को उत्पादन कर लिया, अब उस फसल का मूल्य कितना होना चाहिए, अब तो किसान तो अपने हिसाब से बहुत ज्यादा कर सकता है। ठीक, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कृषि मूल्य नीति बनाई, और इस नीति के आधार पर एक आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं कृषि लागत आयोग। इसका गठन किया गया 1965 में, बाद में 1985 में इस आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत एवं कीमत आयोग कर दिया गया। इस आयोग का काम था कि जो किसान ने फसल का उत्पादन किया है उसके मूल्यों का निर्धारण करना, मतलब अपने मन से ना तो किसान मूल्य का निर्धारण करेगा ना कोई और मूल्य का निर्धारण करेगा। यही आयोग क्या करता है, किसान ने जो फसल का उत्पादन किया है उसकी उन फसलों के मूल्य का निर्धारण करता है कि इसका मूल्य कितना होना चाहिए। काम किसका है, इस आयोग का काम है। अब कृषि मूल्य नीति के आधार पर निम्न तरह के मूल्य होते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य, आर्थिक मूल्य, जारी मूल्य। तो सबसे पहले समझे न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान होगा, उसने कोई फसल तैयार की और वो चाह रहा था कि उसकी जो फसल है 5 रुपए पर केजी बिक जाए मार्केट में। ठीक, चाह रहा था कि 5 रुपए पर केजी उसकी जो फसल है बिक जाए। अब हुआ क्या कि मार्केट में रेट डाउन हो गया और मार्केट में जो फसल बेचना चाह रहा था उसका रेट हो गया 1 रुपए पर केजी। अब क्या होगा, अब तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, फसल तो उसकी पूरी बिकेगी लेकिन उसको नुकसान बहुत होगा क्योंकि वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा था और हो कितना गया 1 रुपए पर केजी। तो ऐसे में क्या करती, गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो किसान जिस रेट में बेचना चाह रहा था और जो मार्केट में गिर गई है, मतलब उस जो कीमत गिर गई है, गवर्नमेंट इसके बीच एक रेट का निर्धारण कर देता है। जैसे गवर्नमेंट ने रेट निर्धारण कर दिया 2 रुपए, तो जो गवर्नमेंट ने रेट निर्धारण किया है ये कहलाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या मतलब है इसका, अब जैसे रेट गिर गया है 1 रुपए पर केजी मार्केट में, तो जब मार्केट में रेट गिर जाएगा तो किसान क्या करेगा, मार्केट में ना बेच करके फिर 2 रुपए पर केजी वो किसको बेच देगा, गवर्नमेंट को बेच देगा। तो ये कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कौन तय करता है, गवर्नमेंट तय कर देती है जिससे किसान को नुकसान ना हो। तो इसके बाद बात कर लेते हैं खरीद मूल्य, जिस मूल्य पर जिस कीमत पर कोई किसान अपनी फसल को बेचता है वो क्या कहलाती है, खरीद मूल्य कहलाती है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आर्थिक मूल्य, कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके जिनको बहुत ज्यादा फसल होती है, बहुत ज्यादा फसल को उत्पादन करते हैं, तो क्या करते हैं वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, वेयर हाउस में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वेयर हाउस में जब वो स्टोर करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन का खर्च लगा, लेबर चार्ज लगा, तो ये जो पूरा खर्च है मतलब भंडारण के लिए, जैसे किसान ने किसी फसल का उत्पादन किया तो
तो भंडारण के लिए वेयर हाउस चाहिए तो किराए पे चाहिए, उसका खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसके अलावा जो लेबर चार्ज है, इन सबको मिला करके एक मूल्य बनाया जाता है जिसको बोलते हैं आर्थिक मूल्य। इसके अलावा फिर बात कर लेते हैं जारी मूल्य की। जारी मूल्य क्या होता है? आर्थिक मूल्य पर गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। तो जारी मूल्य को हम क्या लिख सकते हैं? आर्थिक मूल्य माइनस सब्सिडी, आर्थिक मूल्य माइनस सब्सिडी। तो ये क्या कहलाती है? हमारी जारी मूल्य। मतलब गवर्नमेंट के डिस्काउंट देने के बाद, अनुदान देने के बाद, जो हमको एक्चुअल में देना पड़ा वह जो मूल्य होगा क्या कहलाएगा? जारी मूल्य कहलाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम भारत में गांव से रिलेटेड, किसान से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, तो आजादी से पहले और आज 2017 चल रहा है, तो हम सारी योजनाओं को डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जब बात हम कर रहे हैं किसान की, तो कुछ लाइन किसानों के लिए कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुआं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, किसी ने बोनी बो दिया और किसी की बाकी है, समय पर बरस जाना ऐ मेघा, क्योंकि किसी की जमीन निर्वीह है और किसी का लगान बाकी। जैन वंदे मातरम।